खबर रीवा से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिले भर में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा। ध्वज संहिता का पालन करते हुए तिरंगा लगाया जाएगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यह राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। आजादी के 75वें वर्ष में हर घर में तिरंगा फहराकर आम जनता को राष्ट्र के गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ना है। कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभियान को सफल बनाने में स्वयंसेवी संगठनों तथा आम जनता का सहयोग लिया जाएगा। सभी अधिकारी और कर्मचारी भी राष्ट्र गौरव के प्रतीक राष्ट्र ध्वज सम्मान पूर्वक अपने घरों में फहराएं। अभियान के संबंध में सभी SDM मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सबके सहयोग और समन्वय से जिले के अधिकतम घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ने तिरंगा के निर्माण, तिरंगा वितरण तथा घरों में तिरंगा लहराकर उसकी समुचित फोटोग्राफी के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने हर घर तिरंगा अभियान की कार्य योजना प्रस्तुत की। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।